नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी है। पीरामल गांधी फेलोशिप के अंतर्गत मैं एक गांधी फेलो हूँ। छत्तीसगढ़ में हम नीति आयोग के ट्राइबल हेल्थ कोलैबोरेटिव के अंतर्गत आदिवासी जनजातियों के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए काम कर रहे हैं। कम्युनिटी इमर्जन प्रोसेस हमारे फेलोशिप का एक अहम हिस्सा है, जिसमें गांधी फेलोज कम्युनिटीज़ में ही रहकर उन्हें समझने की और उनके लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। इसी कारण मैं भी बकरकट्टा क्षेत्र के सरोथी ग्राम में रुकी थी और इसी दौरान मुझे टिंगीपुर नामक ग्राम के बारे में पता चला, जहां बैगा जनजाति के लोग रहते हैं। मुझे यहां जाने से मना किया गया था। लोगों का मानना है कि यहां जाना सुरक्षित नहीं होता, पर जिज्ञासा थी। रमेश कोराम, जो कि एक फार्मासिस्ट हैं, इनसे मैंने निवेदन किया कि वे मुझे वहां ले चले। अब मैं कर्नाटका से हूं तो मुझे छत्तीसगढ़ी बोली नहीं आती, अब थोड़ा थोड़ा समझने लगी हूँ। तो रमेश जी मेरे लिए वहाँ पहुँचने में ही सिर्फ सहायक नहीं बने, साथ ही साथ भाषाओं के इस अंतर को भी उन्होंने काफ़ी हद तक कम कर दिया। ANM दीदी पूर्णिमा कोठारे भी हमारे साथ चली और इनका भी काफ़ी योगदान रहा है। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, इसीलिए जब 16 नवंबर 2022 को हम टिंगीपुर पहुँचे तो रमेश जी और पूर्णिमा जी ही थे जिन्हें वहाँ के लोगों की गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं समझ आई। बच्चे बड़े दोनों ही कुपोषित नजर आए। उनकी स्वास्थ्य समस्याओं का तुरंत समाधान देना क्योंकि आवश्यक था। हम फिर दो बरसाती नालों को पार करते हुए 18 नवंबर 2022 को टिंगीपुर पहुँचे। वहाँ फार्मासिस्ट और ANM के निर्देशन में आवश्यक दवाइयों का वितरण हुआ। शिशुपाल खोबरागड़े समता जन कल्याण समिति के संस्थापक हैं। इन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने वहाँ की अन्य समस्याओं पर भी ध्यान देना शुरू किया और उन्हें फिल्माया और उसको एक डॉक्यूमेंट्री का स्वरूप देने का प्रयास किया है। चलिए, अब हम टिंगीपुर पहुंच चुके हैं, यहाँ के लोगों से मिलते हैं। नदी पार करे पर कैसे कर भाई, नदी वाला पूरा नकद नकद जत हम कैसे कर भाई, नहा जतो नहा भी जत नहीं के वजह से तबू ओ एक घंटा से ता खार ले उतर जते उतारू पड़थे ने दा। हां स्कूल जाए नहीं वो पूरा पानी के देखे तभी भेजते नहीं का अभी जाएगा तो मन लिका मन तो जाए नहीं गा, जान था तो हमर वैगलिका मन ला गुट्ठा धरिन तो भगिन डोंगर ढाल है। अभी पढ़वा चिड रहा था मुंह से हमारे पर भग गत नौकरी मिलत है भैया। तांगने बाड़ी खोले पर नहीं बोले हो देखो बात, अरे कई घाव हो गए बता तो मैं काले भुखिया तो लगा कहते कते जन लिका 15 20 जन तो है लिका मन हां ज्यादा घलो 20 जन ले ज्यादा होए कथु तई ज्यादा है 20 जन ले ज्यादा होए कथु का कपो जन का ककरो घर 4 जन है ककरो घर 5 जन है ककरो घर 6 जन गला है। हम गांव भर के जुड़ के बना के देबो यहां पढ़ाने वाले भर होना पढ़ाने वाले आप झोपड़ी बना दोगे सब देख रहे सब देख लोगे आपको पढ़ाने वाले चाहिए तो कहां करात हो कौन करात अभी दो तीन जन भर गए हैं सिख धाम ता सब तो गांव में मैं आते गांव में कौन करात है ट्रेनिंग मिले दाई की नहीं मिले नहीं मिले तो फिर करवा डर चला कौन सा पानी पीते हो भैया, कहाँ का ये करा गला पीथन हम ये दे यहाँ से पानी पीते हैं वो मैं नहा थाने में किल पीथन और ये नहाने का पानी ना भैया वहाँ नहाने का ये अब एक बार गांव के आदमी ना सबके सब चले जाना गांव के आदमी सबके सब चले जाना वो सरपंच के पास जाना हो यहाँ पे पानी लेना रोके पर वो बनवा देना मेड़ पानी जब रोकी ना सुनना भैया एक्शन बनवा रही तो कलेक्टर भेज रही फूट के भगा गए बोरी बोरी रच के बनवाए रही हाँ, तो बोहा के चले गए तो बरसात में बोहा गए वही अभी अपन आई था अभी ये कह रुकी पानी है देरी भैया अभी के पानी रुकी ना से कम से देरी पैसा थोड़ी देरी है देरी वो तो बरसात में बोहा जाते बोहा जाते ना पानी ज्यादा शायद मैं इस पूरा जान था तो 2 सालों से बंधाए नहीं है एक साल बंद हुई
अभी तो ये 10 दिन ज्यादा से ज्यादा चलिए सुखा दी पूरा पानी तो ये कर लेना बनवा लेना बोल देना सरपंच ला तो बना दीजिए सरकारी कुआं आई रही से आओ सरकारी कुआं आई रही से वो बंद कर दी सचिव हाँ वो में कुछ नहीं समझ आज ही कोड़ा ही काली कोड़ा ही ऐसे के चुतिया बना दी से मन अभी तक नहीं कोड़ा है हाँ कतेक दिन हो गए बात ला ये बात ला कभी तो 4 महीना हो गए 4 महीना हो गए 4 महीना हो गए बोला टोला वाले सचिव बता रही से कर मैं खानवा हूँ इसी की बता रही अपन खुद अब तक बंधा जाती तो पानी पी व्यवस्था हो जाती है मैं देख रही थी कर कोर दे सी गई की तुमन मंदी आदमी हो बैठ गए लोग कूद कूद आके मर जाओ कुआ में खानवा दे होता ऐसे की हम लोग चुटिया बना के भर दे सचिव है मोर सास बुहाए रहा चलो सचिव गला हुई हाल है सरपंच बना हम तो ना हुई हाल है नहीं सुने रास्ता बनाए बर बोलूं तो गाड़ी आए बर इधर बरसात के दिन में रास्ता बनाए बर कथा सर अभी नहाए बर पानी घाटा होते पानी एक कनिक बंधवा दो कथन ओ लखान नहीं कुआं दे रहा है कन कुआं नहीं है कुआं हां बोरिंग में पीले बोरिंग के पानी ले 12 महीना नंदिया के भैया हम हां हां नंदिया के पानी पी के नदी को लाल निकल नहाए बर तकलीफ वही है अभी बंधवा दे के तुम तक सर हम देते हैं पटेल कोतवाल काम नहीं दे 5-6 तीन ही हाल हवे तो पानी पान नदिया सुखाते तो जीरिया कोर था जीरिया गड्ढा पानी मिलते है पानी में हां मिल जाते हां 12 महीने पूछ के लक्की तुम कैसे कर बिहार जुरा कैसे बात सब कर पहले तो हर पानी की व्यवस्था गर्मी में कैसे है अभी नाला सुखा जही तो देवरच्चा तरी हम जाबो नहाला देवरच्चा यहां बहुत दूर है कतेक दूर है देवरच्चा साइड कर जाता नहीं इतने 5 किलोमीटर अब हुई इसने 5 किलोमीटर से ज्यादा है है ना पिए बार पानी कहाँ से लाऊं ये गंदा पानी पीबो काय करबो पानी ला जरिया बना के अरे पानी टंकी गला एक ठन स्कूल के तीर में गड़े नहीं तेन गालो इंच के नाम में आ रही तेन लो उच्च गड़ी आ दी का चीज ला ये पानी टंकी ला हाँ यहाँ के नाम टिंगीपुर के नाम से आ रही हाँ तेन लो देवरा चम गड़ी आ दी तो पानी ला रोके पर बोले तो का के ही हाँ हाँ कथे नहीं नहीं कहा हाँ हरकत है करे नहीं लाइट बर घलो के हैं लाइट हमर भी जागे भाई लाइट बर सुनाई दे फोन लगाओ कहीं के था ऊ लहाओ के हैं सब बर हाँ कथे नहीं दे लाइट तो यार इधर आए नहीं है तो दे दाउल दाउल तेन तो सब बंद होके बैठ गए नहीं चले बताए नहीं हूँ सरपंच से बता फोन लगा दे के मिस्त्री आते हुई एक कनुक देख लेते फोटो कॉपी करते फिर भाई मने भड़क गया हमें तो बना के नहीं दे बना के पहले दे रही से बंद हो गए अब महीना डेढ़ महीना अब सब साल भर चली अभी का जला तो मट्टी तेल में मट्टी तेल नहीं दे आगे आगे था मट्टी तेल मिलते हैं वहाँ मिल जाते हैं वो बच्चे वो देखा हाँ ऑफर कर रहा हूँ हाले चिमड़ी में मुड़ में लाता हूँ उतर दूर हाले पूरा वो सचिव घुमा थे पेशेंट के बाते हैं आधार कार्ड नहीं मिले हैं अब काय मती 4 घंटे बचे मोर बाइक भी नहीं है आधार कार्ड मोर बस है यहां तक बाइक बनवा डरे हैं तो देही तो तू ये भी नहीं कर वो हम लोग घुमा था कोई लोग 200 के ना कोई लोग 100 के ना कोई 50 दिन ऐसे ही टाइप की कर रहे हैं इन लोग डॉक्यूमेंट पर जमा करके हैं वहां से बना के दिए नहीं इनको पैसा भी ले लिए कितने पैसा ली से हम 200 दे हैं 200 दे 200 आधार कार्ड बनाए पर 200 दे हैं सचिव लोग दे हैं अब देवरा चक्कर वो का कथे सेरू जो का कथे तेन लग दू सब अलग तेन वो मन पी थे इसका धर के सब दिमाग खराब कर प्रधानमंत्री वाला आवास 1 लाख में जो बना के देते वो हाँ दे ना पक्की घर लग तो दे हाँ पक्की घर लग सची मन दे ना एक तो आगे रहे 8 घर के पूरा जन की है 8 घर के आ रहा है आगे तो बनवास कबर नहीं है कबर नहीं बनवास है वही मन जानी पढ़े लिखे मन हम कहा जानबो वाला पैसा मिले इसकी नहीं मिली तुम्हारे लोग कैसे लगते हैं यहाँ आया तो अभी गेरू खदान में तो पानी वानी सब व्यवस्था है यहाँ नहीं है तो कैसे लगते हैं कैसे कर तैसे 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 निपटावे इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य ना ही किसी पर उंगली उठाना है
और ना ही किसी के काम करने की मंशा पर प्रश्न है, ना ही हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं। ये केवल एक बड़ी समस्या का एक छोटा सा पहलू है। हम केवल इसी पहलू के पूर्ण सत्य होने का दावा भी नहीं कर रहे हैं। इसमें प्रशासनिक चुनौतियों का भी हमें ज्ञान नहीं है। इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम आपको उन मौलिक अधिकारों एवं सेवाओं से परिचित कराना चाहते हैं जिससे यहाँ की बैगा जनजाति वंचित है। इनकी समस्याओं का कारण कौन है? अब अन्य पहलू से अपरिचित होने के कारण इस सवाल का जवाब देना कठिन है। ये आवश्यक है कि हम इन समस्याओं का समाधान ढूंढें। हम परिचित हैं तो केवल इनकी वास्तविक स्थिति से। इतनी कठिनाइयों के होने के बावजूद हमने इन्हें हंसते हुए देखा है। इसी हंसी को कायम रखने के लिए हम कुछ प्रयास करना चाहते हैं। आशा है कि आप ही हमारा साथ देंगे। मुझसे कोई भूल हुई हो या कोई गलती हो गई हो इस डॉक्यूमेंट्री में तो क्षमा कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस डॉक्यूमेंट्री को अपना कीमती समय दिया।